जी, तुसी जुड़े हुए हो पंजाबी साहित्यक सरगर्मियां दे नाल, तुहाडा हार्दिक स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम के राही तुसी प्राप्त करते हो एजुकेशन फील्ड दे नाल संबंधित नवी अपडेट, और इस दे विच कोई भी नवी वैकेंसियां आउंदियां ने एजुकेशन नाल संबंधित मास्टर केडर जां असिस्टेंट प्रोफेसर दियां, तो उन्हां दे बारे इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी कीती जांदी है। ते नाल नाल आपां जिहड़ा है पंजाबी सबजैक्ट नाल रिलेटड जिन्हें भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम होंगे ने जां UGC नैट का पेपर है, मास्टर केडर का पेपर है, तो उस नाल रिलेटड वीडियो इस चैनल उपर तुहानू मिलदियां ने। तो आप JRF नू टारगेट रखते हुए एक अपनी प्रश्न उत्तर की लड़ी चल रही है, नाल नाल आपां जिहड़ा है अपनी एकूरेसी नू होर वधाउण दे लई जां प्रैक्टिस दे लई आपां प्रीवियस ईयर पेपर की लड़ी शुरू की हुई है, जिस दे विच 2020 दे पेपर तुहाडे नाल सांझे कर दित्ते ने। प्लेलिस्ट तुसी अलग तो बनाई हुई है, देख सकते हो प्रीवियस ईयर नाम दे जिहड़ी प्लेलिस्ट है। तो हुण आपां जिहड़ा है 2019 दे पेपर जिहड़े शुरू कीते हुए है, दसंबर 2019 दे पेपर दा अज पंजवां भाग तुहाडे नाल सांझा करना, चार भाग पहलां तुहाडे नाल सांझे कीते आ। तो 61 तो 75 नंबर सवाल अज दे अपनी इस वीडियो दे विच आपां हल करांगे। तो जिहड़े दोस्त इस चैनल ते नवे आए ने जां पहली बार विजिट कीता, उस नूं सबसक्राइब जरूर कर लैण तां जो नवीं जिहड़ी अपडेट है उह तुहानूं मिल सके, नाल दी नाल नवीं जिहड़ी वीडियो अपलोड हुंदी है। तो अज दा अपना जिहड़ा है 61 तो 75 नंबर सवाल दसंबर 2019 दा जिहड़ा पंजाबी दा पेपर होया सी, तां उस दे बारे आपां गल करनी है। तो अज दा अपना जिहड़ा है पहला सवाल 61 नंबर तुहाडी स्क्रीन दे उपर है, जिहड़ा दसंबर 2019 दे विच पेपर होया सी। तो इहदे विच आपां मिलान करन वाला है ये सवाल, तो इसदा मिलान जिहड़ा है इस तरह होवेगा, आपां देख सकते हाँ। इहदे विच ऑप्शन नंबर 4 इसकी पहलां तुहानूं दस देवां राइट बनेगी, तो उहदे अकॉर्डिंग जिवें आपां मिला के देखिए कन्नां दे नाल जिहड़े संबंधित गहने ने उह अपने कोल ने सौन, चिड़ियां ते बुझलियां। हाँ जी, नैक्सट अपने को है गर्दन के गहने, तो गर्दन के गहने दे विच हॉल दिली, हत्थां दे गहने, हाँ जी हत्थां दे गहने दे विच सिंगाड़े ते लच्छे, लड्डे लिखा होया लच्छे। हाँ जी, नैक्सट है पैरां दे गहने, तो पैरां दे गहने दे विच जिहड़ा है जंजीरियां वाले लच्छे ते गुसलपुरी। हाँ जी, ये पैरां दे गहने ने, मिलाण वाला सवाल सी। तां नैक्सट अपने कोल सवाल हैगा 62 नंबर, बुढ़ड़ा तां कहिंदा, बुढ़ड़ा तां बहिंदा कुर्सी डा, हाए नी बुढ़ड़ा मर गया, बुढ़ड़ी रंडी कर गया, बुढ़वा तां पींदा लिप्टन दी चाह, हाए नी बुढ़ड़ा मर गया, मासी रंडी कर नहीं गया। तो परोकत काव्य रूप इस दे विच आपां पछाण करनी है कि इन्हां दे विचों काव्य रूप किहड़ा हैगा है। तो इहदे विच जिहड़ा बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, अलौनी है। हाँ जी, तो कीरना हमेशा जिहड़ा जिवें आपां देखदे हां कि जिहड़ा कीरना हुंदा है उह यंग एज दे लई जिहड़ा है वरत्या जांदा इह काव्य रूप है। हाँ जी, नैक्सट अपने कोल है सवाल 63 नंबर सवाल है, इहदे विच है जपजी साहिब दे मुख विशेगत सरोकार हन। हाँ जी, जपजी साहिब दे मुख विशेगत सरोकार हन, नीचे ऑप्शन दित्तियां होईयां ने अपने कोल, ध्यान नाल तुसीं पढ़ सकते हो। नैतिकता, जीवन जांच, सहज चेतना, अध्यात्म चिंतन, राजनीतिक चेतना, पखंड खंडन, दार्शनिक चेतना, वसमाद बोध, नैतिक चेतना, जीवन जांच, ह्यूमन वारण, संप्रदायिक चेतना। तो इहदे विचों जिहड़ा राइट आंसर बनेगा वह अपने अपने कोल ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, दार्शनिक चिंतन है इस दे विच, और नाल नाल जिहड़ा है वसमाद बोध ते नैतिक चेतना जपजी साहिब दे जिहड़े मुख विशेगत जिहड़े सरोकार हन, ऑप्शन नंबर 3 जां दार्शनिक चिंतन, वसमाद बोध, नैतिक चेतना। हाँ जी, नैक्सट अपने कोल सवाल हैगा 12वां तखारी दे विशेगत सरोकार हन, इसे नाल गुरबाणी दे नाल ही रिलेटड जिहड़ा सवाल है। 12वां तुखारी दे
मुख्य विषयगत सरोकार हैं। हाँ जी, तो ये ऑप्शन नंबर एक राइट बनेगी। अध्यात्मक चेतना तो आपां नूं पता लग गया, अध्यात्मक चेतना। हाँ जी, तो जे प्रकृति चित्रण जिहड़ा है वह बारहवां माज दे विच गल कीती गई उसकी, प्रकृति चित्रण जिहड़ा है बारहवां माज दे विच, तो इहदे विच अध्यात्मक चेतना की गल कीती गई है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर एक राइट है, मिलाप की तांग अध्यात्मक चेतना वसमाद बोध। हाँ जी, नैक्सट अपने को सवाल हैगा स्वरा नाटक के नाल संबंधित सवाल है, स्वराजवीर के नाटकों का सही वर्ग है, स्वराजवीर के नाटकों का सही वर्ग है। तो ये मस्या की रात इन्हों का बिल्कुल नाटक है, कृष्ण है, अग्नि अग्निकुंड कच्चा घड़ा नहीं है। हाँ जी, ये नहीं है। तो साहा थानी, कृष्ण, अग्निकुंड, बजारत, ये बजारत भी इन्हों का जोड़ा है नाटक नहीं है। हाँ जी, नैक्सट धर्म गुरु, मेदनी कृष्ण, मेदनी शायर। हाँ जी, ये सारे ही ने, ये भी नहीं। हाँ जी, ये सही है, ये सही वर्ग है। धर्म गुरु भी इन्हों का नाटक है, कृष्ण भी है, मेदनी भी है, तो शायरी भी, शायरी नाटक जिहड़ा सिलेबस दे विच भी लगे हुए। हाँ जी, तो चाबियां इत्थे जिहड़ा लिखा हुआ चाबियां आत्म जीत दा, ये भी नहीं, ये भी जिहड़ा इन्हों का नहीं है। ऑप्शन नंबर तीन अपनी राइट बन गई। हाँ जी, नैक्सट अपने को है 65 नंबर सवाल, दुनिया भर के नाटकों के व्यापक स्रोत का सही वर्ग, दुनिया भर के नाटकों के व्यापक स्रोत का मतलब कि जिहड़ा जिहड़े दुनिया भर के नाटकों दे दिशा निर्देश मिले जिथों, ठीक है, तो उहदे विच जिहड़ा है इहदे विच राइट ऑप्शन जिहड़ी है वह अपने को जिहड़ी ऑप्शन नंबर दो बनेगी, यूरोपीड्स, सोपोक्रीज जिन्हां दे बड़े मशहूर नाटक ने, आस्टोफेन। हाँ जी, ऑप्शन नंबर दो इस दे विच राइट बनेगा अपना। नैक्सट अपने को सवाल है जी, पंजाबी जंगनामा लेखक हन, तो जंगनामा के लेखक किड़े किड़े ने, इन्हां विचों पुछया गया है। तो खजान सिंह, मटक सिंह, वारिस शाह, दमोदर शाह मुहम्मद, मुकबल, निहाल सिंह, कादर यार। हाँ जी, ये अपना जड़ा है एक सही है, ठीक है जी, और उस दे नाल अपने को जड़ा है एक अपने को तीन सही है, शाह मुहम्मद ते मुकबल। हाँ जी, ऑप्शन नंबर तीन इस तरह अपना अपना राइट बनेगा इसका, खजान सिंह, मटक, शाह मुहम्मद, मुकबल। हाँ जी, नैक्सट अपने को सवाल हैगा नाटक नाल संबंधित, मसीहा सूली ते मुस्कुराया नाटक का नायक है करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा। तो मसीहा सूली ते जड़ा मुस्कुराया नाटक है जड़ा, यह भगत सिंह दे नाल संबंधित है, जिमें कि अपन नाम तो यही पता लगी जाता। ऑप्शन नंबर दो राइट बनेगा इसका। हाँ जी, नैक्सट अपने को सवाल हैगा, पंजाबी मार्क्सवादी आलोचकों का सही वर्ग है, मार्क्सवादी आलोचकों का सही वर्ग पूछा। हाँ जी, ये आप जिमें आप बाय ऑप्शन जाने हरभजन सिंह नहीं शामिल कर सकते क्योंकि रूपवाद नाल संबंधित ने। तो नैक्सट है संत सिंह सेखों, रविंदर सिंह, सरजीत सिंह भट्टी। तो यदा राइट बनेगा क्योंकि ये सारे है ने, अगलिया ऑप्शन भी देख लें। हाँ जी, संत सिंह सेखों, नजम हजान सैयद, हरभजन सिंह भाटिया, संत सिंह सेखों, अतर सिंह, तरलोक सिंह कंवर, ये भी जोड़ा है रूपवादी संरचनावाद ने नाल संबंधित होंगे क्योंकि इन्होंने इन्ह तो पी एच डी की थी, ठीक है, इन्हों इन वाले स्कूल के नाल संबंधित सी। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर दो अपना राइट बनेगा। नैक्सट अपने को है 70 नंबर सवाल, नाटक शकुंतला का पंजाबी विच अनुवाद किन्हां ने किया, नाटक शकुंतला का, तो ये डॉक्टर चरण सिंह ने किया। हाँ जी, डॉक्टर चरण सिंह के द्वारा किया गया से। हाँ जी, भाई वीर सिंह पिता जी सन। नैक्सट अपने को है
ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਕਣ ਅਤੇ ਧੂਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਗਨ ਮਿਥਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 72 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੂਫੀਵਾਦ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਗਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਚਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦਾ ਜੁੱਟ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਥਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 74 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਕਥਨ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਥਾ ਯੁਕਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਥਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ 75 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸਿਰਫ ਕਾਲਖੰਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਗੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਰਘ ਅਤੇ ਸਮਰੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਥਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਭਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕਥਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 4, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਵਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।